नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को जयपुर के रामनगरिया स्थित नंदघर आंगनबाड़ी केंद्र का उचित निरीक्षण करने पहुंच गई। उप मुख्यमंत्री ने रामनगरिया स्थित नंदघर आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण के दौरान आधुनिक सुविधाएं, स्मार्ट टीवी, सुसज्जित कक्ष, आधुनिक फर्नीचर, पानी की मशीन, बिजली के कनेक्शन सहित सुचारू व्यवस्था, शौचालय की सुविधा, खेल मैदान, पोषण वाटिका, बच्चों की प्री स्कूल जैसी ECCE गतिविधियों, बच्चों के ग्रोथ मॉनिटरिंग उपकरण और पोषण वाटिका की जांच की। राजस्थान के चर्चित एकलपट्टा मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दोबारा हाईकोर्ट में आज सुनवाई शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव की पीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अशोक पाठक को इंटरव्यूअर बनाने की एप्लीकेशन के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। साथ ही राज्य सरकार एवं 3 अधिकारियों को भी 3 सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी के आखिरी सप्ताह में होगी, जिसके बाद से नियमित सुनवाई होगी। इस मामले में पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता शांति धारीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहले सरकार ने इस मामले में शांति धारीवाल सहित 3 अन्य को अप्रैल 2024 में क्लीन चिट दे दी थी। हालांकि बाद में सरकार ने फैसले पर यू टर्न ले लिया था। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति समिति के फैसलों का ऐलान किया है। RBI गवर्नर ने आज एक बार फिर से रेपो रेट में कोई कटौती नहीं की है। इसका मतलब है कि आपकी EMI कम नहीं होगी। हालांकि RBI ने किसानों को एक सौगात दी है। केंद्रीय बैंक ने किसानों के लिए कोलैटरल फ्री लोन लिमिट का बढ़ा दिया है। बिना कोई संपत्ति गिरवी रखे 2 लाख का लोन RBI ने किसानों के लिए कोलैटरल फ्री लोन की लिमिट बढ़ा दी है। अन्नदाताओं को बिना कोई चीज गिरवी रखे 2 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। हालांकि इससे पहले यह लिमिट 1.6 लाख रुपए थी। इसका लाभ छोटे और मझले किसानों को मिलता था। हालांकि उन्हें पहचान के लिए अन्य जरूरी कामों के लिए जरूरी कागज देने होंगे। मौसम विभाग ने 8 दिसंबर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी भारत में मैदानी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ की आशंका व्यक्त की है। इस विक्षोभ के कारण पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत में तेज बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उत्तर भारत में तापमान 10 दिसंबर से तेजी से गिरावट आने के और कोहरा बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पौंडिचेरी और कराकाली में अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने और बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की है। मेवाड़ के आराध्य देव एकलिंग जी मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए नए नियम जारी कर दिए गए हैं। ये नियम एकलिंग जी ट्रस्ट की तरफ से जारी किए गए हैं। इसके तहत अब मिनी स्कर्ट या हाफ पैंट में प्रवेश वर्जित होगा। साथ ही श्रद्धालु अब मोबाइल भी अंदर नहीं ले जा पाएंगे। ट्रस्ट की तरफ से नियम को लेकर मंदिर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया है। SI भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में 10 दिसंबर को सुनवाई होनी है, तो वहीं सरकार ने भी इस भर्ती पर क्या फैसला लिया, इसका जवाब भी कोर्ट में सरकार को पेश करना है। ऐसे में प्रदेश के लाखों युवाओं को 10 दिसंबर को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर नजरें टिकी हुई हैं। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान सरकार से 2 सप्ताह में इस भर्ती पर फैसला लेने के निर्देश दिए थे, तो वहीं हाईकोर्ट की ओर से SI भर्ती पर ट्रेनिंग, SI की पासिंग परेड और फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा रखी है। ऐसे में इस भर्ती के भविष्य का फैसला 10 दिसंबर को होने की पूरी संभावना है। हालांकि भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर आंदोलन फिर से तेज होने लगा है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच शुक्रवार को एडिलेड ओवल के मैदान में दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो गया है, जिससे पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 44.1 ओवर में मात्र 180 रन के न्यूनतम स्कोर पर सिमट गई। वहीं ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने इस मैच में 48 रन देकर 6 विकेट चटकाए। इसके साथ ही स्टार्क का टेस्ट करियर में 15 बार 5 विकेट लेने का आंकड़ा भी पूरा हो गया। हनुमानगढ़ जंक्शन की मकरसर रोड पर आज आग लगने से लाखों रुपए की पराली जलकर खाक हो गई। आग लगने के बाद 4 दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया, मगर लाखों रुपए की पराली जलकर खाक हो गई। आगजनी की सूचना पर जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पराली मालिक ने बताया कि उन्होंने पशुओं के लिए करीब 35 लाख रुपए की पराली एकत्रित की थी और पास में चल रहे एक शादी समारोह के पटाखे से पराली में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। हनुमानगढ़ जिले के चक 37 NDR में सार्वजनिक भूखंडों के अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर आंदोलनकारी ग्रामीणों का आमरण अनशन आज 4th दिन भी जारी रहा। इस दौरान एक अनशनकारी सुमेर सिंह की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद चिकित्सा विभाग की टीम ने अनशनकारी सुमेर सिंह को पीलीमंगा चिकित्सालय में भर्ती करवाया। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों के लगातार 4th दिन आमरण अनशन के बावजूद कोई अधिकारी ग्रामीणों की सुध लेने नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने आरोप है कि गांव के सार्वजनिक भूखंड पर प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और ग्रामीण अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं।
दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनेता बड़े बड़े दावे पेश कर रहे हैं। वहीं इसी बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी अगले साल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता बरकरार रखेगी और पिछले चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत को दोहराएगी। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर निर्वाचन क्षेत्र में पदयात्रा अभियान के दौरान केजरीवाल ने विश्वास जताया कि आपको राजधानी में 2020 के विधानसभा चुनाव से भी अधिक वोट सीट मिलेगी। तो ये थी दिनभर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।